Hello everyone, this is Balpreet Singh, Director, IIT Education and Immigration Private Limited. We are into this business from last 10 years and we are dealing with a student visa, tourist visa and permanent residency. आज का जो वीडियो है ये हम बना रहे हैं स्पेशली प्री डिपार्चर काउंसलिंग के ऊपर. अगर हम इजी वे में बात करें तो वीजा आने के बाद क्या करना है. 99.9% स्टूडेंट हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर वीज़ा आ गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है. और हमेशा हम लोग गाइड करते हैं कि जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने अपनी तैयारी करनी है अब्रॉड जाने के लिए. जिस कंट्री का भी आपका वीज़ा आया उसके लिए हमें क्या क्या तैयार करना है, क्या क्या चाहिए और क्या रिक्वायरमेंट्स है और कैसे हम अपने कॉलेज और उस कंट्री तक पहुँचेंगे. तो व्यूअर्स मैं बताना चाहूँगा कि पहला स्टेप तो शुरू होता है कि आपका वीज़ा आने के बाद आपके पास पासपोर्ट और आपका वीज़ा कॉपी जो है वो हम लोग अपडेट करवाते हैं कॉलेज को, ताकि उनको इन्फॉर्म करते हैं कि इस बच्चे का वीज़ा आ गया है. उसके बाद हम आपको गाइड करते हैं कि आप टिकट लीजिए, ताकि हम वो भी उसकी कॉपी भी हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी को भेजते हैं कि ये बच्चा इस डेट को लैंड करेगा इस कंट्री में. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि जब आपका जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं प्री डिपार्चर काउंसलिंग, इसमें यही होता है कि हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं. सबसे पहले हम आपको प्रॉपर किट बना के देते हैं जिसमें आपकी ऑफर लेटर, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, सारी फी रिसिप्ट होती हैं. ठीक है, अगर आप कैनेडा के स्टूडेंट तो आपके GIC की डिटेल्स होंगी, अगर आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं तो आपकी FTS की डिटेल्स होंगी उसमें. और सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं, आपने कैसे वहाँ पे स्टडी करनी है, कैसे कॉलेजेस को टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली आपने वहाँ पे स्टडी करनी है, कोर्स सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं आपने. उसके बाद वहाँ जाके आपको 20 आवर्स वर्क अलाउड जो होता है वो कैसे करना है, कौन से रिक्वायरमेंट वहाँ पे होती हैं काम करने की, और आपने बिल्कुल इलीगल वर्क नहीं करना, ये सब चीज़ें हम गाइड करते हैं आपको. आप यहाँ से जब ट्रैवल करते हैं एयरपोर्ट के लिए तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है आपके पास पासपोर्ट, टिकट और आपकी सारे डॉक्यूमेंटेशन ओरिजिनल, प्लस जो हमारी कंपनी आपको किट बना के देती है जिसमें आपकी कॉलेज की सारी डिटेल्स है वो आपने कैरी करना है लगेज में. उसके अलावा आपको लगेज में क्या लेके जाना है, क्या ज़रूरत है उस कंट्री में जाने के लिए, एज ए स्टूडेंट आपको किस चीज़ें सामान की ज़रूरत होती है, वो सारी आपको लिस्ट देते हैं जिससे आपको पता लग जाए कि हाँ ये हमें पैकिंग में रखना है. तो ये सुनने में तो बड़ा ऑड लग रहा है कि क्योंकि सबको पता होता है क्या लेके जाना क्या नहीं लेके जाना, लेकिन हमारी कंपनी या हम लोग ये सोचते हैं कि यार ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ज़रूर अपने व्यूवर्स को या हमें अपने क्लाइंट्स को बतानी चाहिए, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता. सपोज़ एक छोटी सी एग्जाम्पल लेके जाना, एक परफ्यूम की बॉटल है, अगर वो आप अपने हैंड लगेज में रख लेते हो तो आपको डेफिनेटली एयरपोर्ट पे सिक्योरिटीज़ वाले रोक लेते हैं कि ये परफ्यूम की बॉटल आप या तो थ्रो कर दो या आप अपने लगेज में डाल दो, और इतना टाइम नहीं होता कि वहाँ पे अपना लगेज खोल के आप परफ्यूम की बॉटल्स डालोगे. सो कोई भी किसी भी तरह के सीजर्स हो गई, ब्लेड्स हो गए, पेन हो गए, इस टाइप की चीज़ें हम अवॉइड करते हैं, आप अपने हैंड लगेज में ना रखिए. तो ये बड़ी छोटी सी बातें हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट होती हैं. उसके अलावा स्टूडेंट वीज़ा पे बच्चों को कितने पैसे साथ में लेके जाने हैं अपने वहाँ पे खर्चे के लिए, तो हम सजेस्ट करते हैं कि भी 3000 या $4000 से ऊपर ज़्यादा कैश मत उठाइए. अगर आपने लेके भी जाना चाहते हैं आप मोर देन $3000 या $4000, तो आप ट्रैवल चेक को यूज़ करिए. ट्रैवल चेक स्पेशली एक कार्ड होता है जिसमें आपकी पेमेंट्स चार्ज कर दी जाती हैं, आप सीधा अपने ATM कार्ड की तरह ही उसे इस्तेमाल कर सकते हो. सो अवॉइड करें कि आप कैश हाथ में लेना है, क्योंकि कैश चोरी भी हो सकता है, पर्स गिर गया कहीं भी, कोई भी नुकसान हो सकता है आपका. और उसके बाद एयरपोर्ट के अंदर आप जब जाते हैं तो अपने डॉक्यूमेंटेशन हमेशा साथ में रखिए. आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से कॉलेज में जा रहे हैं, कौन सा कोर्स लेके जा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद उस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, कहाँ पे आप अपने रहने का इंतजाम कर रहे हैं. आपको ये आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं वो किसी समय आपसे पूछ सकते हैं कि आपका कॉलेज कौन सा है, कोर्स कौन सा है, और आप कहाँ रहेंगे, आप अपने अंकल आंटी के पास रह रहे हैं, रिलेटिव्स के पास रह रहे हैं, उनका एड्रेस फ़ोन नंबर, अपने फ्रेंड्स का एड्रेस फ़ोन नंबर आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि वो भी आप पे ट्रस्ट कर सके कि हाँ आपको नॉलेज है अगर आप अब्रॉड पढ़ने जा रहे हैं. अभी आपने सुना होगा कैनेडा में कितने बच्चों को एयरपोर्ट से ही वापस मोड़ दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया, क्योंकि यही कुछ रीजंस थे जिनमें बच्चों को ये भी नहीं पता कि वो किस कॉलेज में जा रहे हैं, किस कोर्स में जा रहे हैं. अब यहाँ पे गलती आप कंसल्टेंट की मानी है या स्टूडेंट की मानी है, मैं इस कन्वर्सेशन में नहीं पढ़ना चाहूँगा. तो प्लीज़ ये बड़ी छोटी छोटी बातें जिनका ध्यान रखिए. सो एयरपोर्ट में सबसे पहले आप अपना बोर्डिंग पास लेते हैं, आगे इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड होता है जहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स बैठे होते हैं जो आपका पासपोर्ट आपका वीज़ा स्टेटस चेक करते हैं. उसके बाद सिक्योरिटी चेक होता है जहाँ पे आपके सामान जो आपका हैंड लगेज है उसको चेक किया जाता है, आपके पास कोई भी इस टाइप की चीज़ नहीं होनी जो ऑब्जेक्टेबल हो और ऑब्जेक्शन हो जिसपे उनको. तो सिक्योरिटी चेक के बाद आपके पास वेटिंग टाइम आ जाता है, आप अपने प्लेन के लिए वेट कर सकते हैं, फ्लाइट टाइम के लिए वेट कर सकते हैं. तो ये जितनी बात मैंने बताई है 99% सब लोगों को पता होता है, लेकिन स्टूडेंट समटाइम्स खुशी में ये सब चीज़ें इग्नोर कर जाते हैं. सो मैं सभी को व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप
अपना वीज़ा लें तो इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। और हमारी कंपनी तो हम अपने बच्चों को तो जरूर ये प्री डिपार्चर काउंसलिंग जरूर देते हैं कि कैसे आपने जाना है, कैसे रहना है, कैसे स्टडी करनी है, कैसे ये सब चीज़ें हम सिखा के यहाँ से भेजते हैं ताकि उन बच्चों को वहाँ पर जाके प्रॉब्लम आए। सो व्यूवर्स, अगर आप ये सब चीज़ें हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स को लेके आइए, अपना प्रोफाइल डिस्कस करिए और हमारी कंपनी के साथ जुड़ें ताकि हम आपको उतने ही अच्छा फ्यूचर के लिए आपको गाइड कर सके। सो थैंक्स अ लॉट व्यूवर्स, थैंक यू।